हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिससे हम डाटा देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनसे हम डाटा देख सकते हैं? तो सबसे पहले आ गया मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक टीवी की तरह होता है, यानी कि हमारी एलसीडी जो है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लैपटॉप के आगे जो हमारे पास स्क्रीन होती है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर के मायने में आ जाता है ये। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है और ये डिस्प्ले करती है, दिखाती है हमें इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको इंफॉर्मेशन का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मॉनिटर कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है। वैसे तो ये एलसीडी ही है, लेकिन मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह होता है। मॉनिटर अब खत्म हो गए हैं, अब एलसीडीज आ गई हैं। मॉनिटर को एलसीडीज ने रिप्लेस कर दिया है मार्केट, और एलसीडीज को रिप्लेस कर रहे हैं लैपटॉप। ओके, तो आगे हमारे आ गया प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। अगर हमारे किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा पड़ा हुआ है और हम उसे हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर के थ्रू उसे हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्ड फॉर्म में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सॉफ्ट फॉर्म में, सॉरी, हार्ड फॉर्म में जो डाटा है उसे सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी स्कैनर की। लेकिन अब उस स्कैनर के बिल्कुल उल्ट काम करता है प्रिंटर। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, उसको हमने हार्ड फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। इट गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। तो ये हमें क्या देता है? आउटपुट कुछ देता ही है ना कुछ लिख के देता है हमें। तो आउटपुट का मतलब यही है कि देखना, ऊपर देखना जस्ट, ठीक है, वॉच करना अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटे को देखना। तो द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हार्ड कॉपी कहते हैं जो हमारे हमें हम जिसे छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जो हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर। पीडीएफ, पीडीएफ का वर्ड आपने शायद सुना हो। तो पीडीएफ जो है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, यानी कि ऐसा डाटा जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। प्रिंटर कैसा होता है? कुछ इस तरह का प्रिंटर होता है। ये देखिए, प्रिंट निकाल रहा है इमेज का। ओके, हो गया। अब हमें कुछ ना कुछ दे रहा है ना, ये दे रहा है कुछ ना कुछ, तो ये आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होता है? कुछ ना कुछ हम देते हैं इनपुट में, आउटपुट में हम लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास स्पीकर आ गए। स्पीकर तो आपको आपको पता ही होगा, स्पीकर हमें क्या देते हैं? ऑडियो देते हैं। ठीक है, ऑडियो देते हैं, म्यूजिक, गाने सुनते हैं हम, नाते सुनते हैं, क्वालियां सुनते हैं। तो स्पीकर अलाउज अस टू हेयर डिफरेंट साउंड। ये हमें आवाज मुख्तलिफ तरह की सुनाता है। सम कंप्यूटर्स हैव स्मॉल इंटरनल स्पीकर। यार, कंप्यूटर के अंदर भी स्पीकर होते हैं, लैपटॉप्स के अंदर भी, मोबाइल्स के अंदर भी छोटे छोटे स्पीकर होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े स्पीकर लाना चाहते हैं, कोई डांस वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह के जो है वो स्पीकर यूज होते हैं। ओके, क्लियर है? एक मरतबा फिर आपको इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट देता जाऊं कि इनपुट का मतलब है कुछ, कोई भी चीज है आपके पास वो दे दो, और आउटपुट का मतलब है ले लो। इनपुट का मतलब दे दो, आउटपुट का मतलब ले लो। ओके,
तो नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने स्पीकर को पढ़ा, स्पीकर से हम क्या करते हैं, ऑडियो सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कॉलिंग नाते वगैरह सुनते हैं। प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमारे एक लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर पड़ी है उसे हमने बाहर निकालना है, हार्ड फॉर्म में निकालना है, तो हम प्रिंटर की मदद से वो करते हैं। उसके बाद हमने मॉनिटर को पढ़ा, मॉनिटर से हम क्या देखते हैं, स्क्रीन पे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन डाटा होता है वो हम मॉनिटर के थ्रू देखते हैं। तो ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।